हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सोनू और आप देख रहे हैं हार्डन क्लासेस। आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक नया चैप्टर जिसका नाम है हमारा लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशन, यानी कि जिसे हिंदी में कहते हैं क्या, सरल युगपत समीकरण। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ उससे पहले कि आज का ये जो हमारा चैप्टर है, ये हमारा न्यू चैप्टर है फ्रेंड्स, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारा। इसमें आपको, और ये हमारा पार्ट वन है, ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा 5 पार्ट में होने वाला है। और एक मैं एक बात आपको जानकारी के लिए बता दूं कि इसमें हमको बस 4 टॉपिक ही पढ़ना अच्छे से, वो है हमारा विलोपन विधि, स्थानापन विधि, तुलनात्मक विधि। देखिए 3 नंबर पे है हमारा, क्या 3 नंबर पे है हमारा तुलनात्मक विधि, ठीक है फ्रेंड्स, और 4 नंबर पे है हमारा वज्रगुणन विधि। ठीक है, तो मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, वो ये कि मैं इसे अभी रिकॉर्ड कर रहा था, ठीक है, लेकिन हुआ क्या कि मेरा जो रिकॉर्डर है वो थोड़ा सा धोखा दे दिया मुझे, मतलब कि आवाज़ रिकॉर्ड हुआ ही नहीं, सिर्फ वीडियो तैयार हो गया। अब इसे काट करके फिर से तैयार करना बहुत ही झमेला है, क्योंकि मैंने इसे एक बहुत ही मेहनत से तैयार किया था, बट सब मेहनत पे हमारा पानी फिर गया। इसलिए मैं आपको जो बताऊँगा ना, बस आप सिंपल सा ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि मैं आपको जो बताऊँगा बहुत ही सिंपल तरीका है, ठीक है। मैं इसमें आपको ऐसे ही बता दूंगा, क्योंकि इसमें मैथ तो मेरा पूरा हमारा बन चुका है। आज का जो क्लास है हमारा, मतलब आज का जो क्लास है उसमें आपको जो मैं पढ़ाने वाला था 4 मैथ, वो सभी मेरा बन चुका है, बस आवाज़ रिकॉर्ड नहीं हो पाया था। तो कोई बात नहीं, आपको बस मैं जो बताऊँगा आप बस उसे ध्यान से सुनिएगा, ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि यदि आप 1 मैथ अगर सीख गए, जैसे हमारा पहला नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि आप ये क्वेश्चन सीख गए, ठीक है, यदि आप ये क्वेश्चन अच्छे से सीख गए तो आप सभी प्रकार के मैथ बना लोगे। और ये हमारा पहला नंबर है आज का, क्या, विलोपन विधि। और ये जो विलोपन विधि है बहुत ही इजी मेथड है फ्रेंड्स, इन 4 मेथड में से ना सबसे ज़्यादा इजी है हमारा विलोपन विधि, ठीक है। तो चलिए, ज़्यादा लेट में नहीं करता हूँ, आपका क्लास स्टार्ट करता हूँ। ध्यान से देखना है फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत ही ईजी है, और मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में जो है पूरा मैथ करके दिखाऊंगा, ठीक है, क्योंकि इसमें मेरा वॉइस थोड़ा सा धोखा दे दिया, तो क्या हो गया, कोई बात नहीं, मैं आपको इसमें हर एक स्टेप बताता हूँ, ठीक है। आप अभी तक क्लास कर ही रहे थे तो आई होप कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो ये हमारा आज का पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और ये एक बात मैं आपको बता दूँ कि सभी आप ही का बुक का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ठीक है, आपको चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है कि हमारा क्वेश्चन हमारा बुक का क्वेश्चन नहीं है, तो हमको कॉन्सेप्ट सीखने के बाद हम फेयर कहाँ से करेंगे, आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो देखिए, ये हमारा पहला क्वेश्चन है, आशा क्या है कि 3x + 2y = 6, और इतना हमारा क्वेश्चन दिया हुआ, ठीक है, इतना दोनों हमारे समीकरण में सवाल दिया हुआ है, इसे सॉल्व कैसे करना है। अब बस मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड्स, और वीडियो को देखते रहिएगा, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले क्या करना है, 2 समीकरण उतारना है, जैसे 2 नहीं, मतलब ये जो हमारा पहला नंबर समीकरण है इसे उतार दिए, और यहाँ पे एक लाइन खींच के समीकरण 1 यहाँ पे दे देंगे, ठीक है। एक यहाँ पे उतारने के बाद यहाँ पे एक लाइन खींच के 1 दे देते हैं, उसके बाद फिर समीकरण यहाँ पे दूसरा उतारेंगे नीचे में, और उसको खींच के नंबर 2 दे देते हैं। अब इस विलोपन विधि में क्या करना है फ्रेंड्स, तो विलोपन मतलब होता है विलोप करना, मतलब कि गायब करना। तो हमको यहाँ पर किसी एक का मान पहले निकालना पड़ेगा, क्योंकि दोनों का मान तो एक साथ नहीं निकाल सकते ना, किसी एक का पहले निकलेगा तभी तो हम दूसरा का मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, किसी एक को हमको गायब करना पड़ेगा, मतलब कि किसी एक को काट करके हटाना पड़ेगा। तो कैसे हटेगा फ्रेंड्स, इसे मान लीजिए कि हमको वाई को हटाना है, तो ये मेरा वाई कैसे हटेगा, थोड़ा आप दिमाग लगाएंगे, अगर इस वाई को गुना कर दें, मतलब इस वाई को अगर बराबर कर दें हम, और फिर दोनों को जोड़ दें, तो मेरा आराम से हट जाएगा, क्यों, क्योंकि ये हमारा प्लस में और ये हमारा माइनस में है कि नहीं। बस यही सेम तरीका आपको हर एक क्वेश्चन में लगाना है फ्रेंड्स। अब देखिए मैंने क्या किया यहाँ पे, अब देखिए मैं मान लीजिए कि मुझे y को बराबर करना है, ठीक है, मुझे y को हटाना है रास्ते से, तो क्या करेंगे, एक ट्रिक है यहाँ पे, हमारा जो ऊपर वाला यानी कि समीकरण 1 में जो गुना किया गया है y के साथ, जिस अंक का, जैसे यहाँ पे y के साथ 2 से गुना किया गया है, ठीक है, तो इस 2 को क्या कर देंगे समीकरण 2 में, मतलब कि इसको पलट देते हैं, समीकरण 2 में दूसरे 2 से गुना कर देंगे, और हमारा दूसरा समीकरण में किससे गुना किया गया है वाई में, तो 3 से गुना किया गया है, यहाँ पे साइन का ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स, बस केवल अंक को देखना है, ठीक है। तो दूसरा समीकरण में हमको 3 से गुना किया गया है, तो इस 3 से हम लोग क्या कर देंगे पहले समीकरण में गुना कर देंगे, मतलब कि हम लोग जिसको भी बराबर कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, हम लोग जिसे भी बराबर कर रहे हैं उसको क्रॉस करके, मतलब उसको चेंज करके आपस में
गुना कर देंगे उल्टा करके। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमको y को अगर बराबर करना है इस समीकरण में दोनों को, तो इसमें हमारा y के साथ 2 से गुना किया गया है, तो इसको उल्टा कर देंगे। ये हमारा समीकरण 1 में 2 है, तो हम लोग समीकरण 2 में 2 से गुना कर देंगे, ठीक है, ताकि हमारा ये बराबर हो जाए। अब देखिए यहाँ पर ऐसे लिख देना है कि समीकरण 1 में कितना से गुना करने पर और समीकरण 2 में इतना से गुना करने पर। अब क्या करना है, अब सिंपल सा इस 3 से गुना कर दीजिए इस समीकरण नंबर 1 को, तो क्या हो जाएगा, 3 × 3 = 9, फिर 3 × 2 = 6 और 3 × 6 = 18 हो जाएगा। देखिए यहाँ मैंने लिख दिया, ठीक है। फिर इस 2 से गुना कर देना है समीकरण नंबर दूसरा, मतलब सबको गुना करना पड़ेगा, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ 3 को गुना करेंगे, सबको गुना करना पड़ेगा आपको। तो क्या हो जाएगा, ये 4x - 6y + 34 = 34। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब यहाँ पर जो हमारा झूठेगा उसको जोड़ेंगे, जो घटेगा उसको घटा देंगे। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि जिस, और एक बात फ्रेंड्स, जिसको हमें बराबर करना है उसे काटना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ हमारा ये प्लस में 6y था और यहाँ हमारा माइनस में 6y है, दोनों हमारा सेम वैल्यू है और ये बस साइन चेंज है, तो ये हमारा आसानी से कट जाएगा, है ना। अब ये हमारा कट गया, अब बाकी सबको जोड़ देते हैं आपस में, तो देखिए क्या हो जाएगा, 9 × 4 = 13 हो गया और ये 34 × 18 = 52 हो गया। काट के हमारा क्या आ गया, हमारा फ्रेंड एक्स का आंसर आ गया हमारा 4। अब हमको किसी एक का वैल्यू मिल गया, अब ये बहुत ही आसान हो जाता है जब किसी एक का वैल्यू मिल जाता है तब। बस अब हमको देखिए एक्स का मान 4 मिल गया है, अब इसमें से आप किसी भी एक समीकरण में 4 बैठा दीजिए और आप सरल करो अगर सीखें अच्छे से, तो बस हो गया आपका सॉल्व। तो देखिए क्या कि हम यहाँ पे समीकरण लेके लेकर चले और यहाँ पे जो हमारा एक्स का वैल्यू 4 आया था, इस 4 को हम यहाँ पे बैठा दिए एक्स के जगह पे, बस गुना कर दिए, तो क्या 3 × 4 = 12 हो गया, यहाँ पे 2y हो गया। और यहाँ से हम लोग क्या किए, वाई का मान आसानी से निकाल लिए। देख लीजिए, बस आपको समीकरण को सॉल्व करना, कहने का मतलब है आपको सरल करवाना चाहिए, बस यही सेम ट्रिक फ्रेंड्स, कि सबसे पहले आपको समीकरण बनाकर उतारना है, उसके बाद आपको किसको बराबर करना है, आपको जिसको बराबर करना है उसका अंक को आपस में उल्टा पुल्टा करके गुना कर देंगे, ठीक है। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ सेकंड नंबर इक्वेशन पे, बहुत ही ईजी है और आपको थोड़ा सरल करवाना चाहिए। देखिए ये हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, देखिए उतार दिया यहाँ पर। एक चीज़ और आपको याद रखना होगा फ्रेंड्स, कि हमारा एक्स हमारा पहले आना चाहिए समीकरण में, एक्स हमारा पहले आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए पहले हम लोग क्या कर दिया, यहाँ पे -9x को पहले लिख दिए और 11y को बाद में कर दिए, ठीक है। अब ये हमारा 3 हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे, y को बराबर कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पे हमें एक नया तरीका सीखना था, ठीक है। अब देखिए सेम चीज़ हो गया, अब जब यहाँ पर हम y को बराबर कर रहे हैं, मतलब कि हमको यहाँ से y को हटाना है रास्ते से, तो कैसे हटाएँगे, तो ऊपर में हमारा 3 से गुना किया गया वाई में, तो इस 3 से हम लोग दूसरा समीकरण में गुना कर देंगे, दूसरा में हमारा 11 से गुना किया गया है तो उल्टा कर देंगे, तो इसको हम लोग पहले समीकरण में गुना कर देंगे 11 से। बस अब आप यहाँ पे कहानी लिख दीजिए कि समीकरण 1 को 11 से गुना करने पर और समीकरण 2 को 3 से गुना करने पर। अब देखिए जब गुना करते हो तो क्या आता है, देखिए 11 × 2 = 22 हो गया, फिर 11 × 3 = 33 हो गया, और फिर जब 11 × 32 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा 352, ठीक है। अब देखिए दूसरा समीकरण में 3 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 × 9 = 27x माइनस में देखिए हो गया, फिर 3 × 11 से गुना करेंगे तो 33y और ये हो गया 3 × 3 = 9, ठीक है। अब यहाँ पर देखना है क्या फ्रेंड्स, अब यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, वो चीज़ ये कि देखिए हम जब गुना करके जब सॉल्व कर रहे तो हमारे ये प्लस में हो गया, और जब भी दो चीज़ हमारा प्लस में जब भी रहता है तो उसको हम लोग आपस में जोड़ तो सकते हैं, काट तो नहीं सकते, बट हमको तो यहाँ काटना है, क्यों, क्योंकि मेरे दोनों वैल्यू सेम है। और एक उससे भी बड़ी बात क्या, कि हम लोग यहाँ पर y का मान बराबर कर रहे हैं, और हम लोग का टारगेट क्या है कि जिसका मान बराबर करते हैं उसको हम लोग को रास्ते से हटा देना है। अब तो ये ऐसे हो गया तो ये तो कट नहीं रहा हमारा, तो क्या कर देंगे, साइन चेंज कर देंगे। वो साइन कैसे चेंज होगा फ्रेंड्स, तो यहाँ पर जो हमारा सेकेंड नंबर इक्वेशन में जो साइन दिया हुआ है इसका उल्टा करके नीचे लिख देना है, मतलब यहाँ हमारा माइनस है तो नीचे प्लस कर देते हैं, यहाँ प्लस है तो माइनस कर देते हैं, और यहाँ हमारा प्लस है तो माइनस कर देते हैं। अब इसका जो अपना साइन था, जैसे इसका साइन माइनस था, तो इसका साइन माइनस नहीं रह गया, इसका साइन अब प्लस हो गया है। इसका साइन जब हमारा प्लस था तो अब हमारा प्लस नहीं हो गया, ये हमारा माइनस हो गया जब हम लोग साइन लिख दिए तब, बस बैठा दिए। अब ये हमारा कट गया क्योंकि ये हमारा प्लस नहीं रहा, ये हमारा माइनस हो गया। उसी तरीके से देखिए ये हमारा क्या प्लस हो गया, यानी इसको हम जोड़ सकते हैं, तो बस जोड़ दिया तो हमारा 49 आया, यहाँ पर घटाने पे हमारा 343 आया। बस अब काट देंगे तो क्या आएगा, हमारा एक्स वैल्यू 7 आ गया, ठीक है। वही सेम काम है यहाँ भी करना है, इस एक्स का मान आप किसी भी समीकरण में बैठाइए, समीकरण 1 में बैठाइए या समीकरण 2 में बैठाइए, और वहाँ से वाई का मान निकाल लीजिए। तो हम क्या किया, यहाँ पर समीकरण 1 में बैठाए हैं,
तो देखिए यहाँ पे 7 × 2 = 7 प्लस 3y = 32 हो गया, गुना कर दिया तो -14 घटाने पे 18 आया, देखिए काटने पे हमारा 6 आ गया, बस हो गया सॉल्व। बहुत ईजी है फ्रेंड, मैंने आपको बताया ना विलोपन विधि से ज़्यादा ईजी और कोई विधि नहीं है। बस आपको अगर एक मैथ समझ में आ गया तो आप हर एक मैथ बना सकते हो, ठीक है। लेकिन मेरा ये फ़र्ज़ है कि आपको पूरा मैथ का सॉल्यूशन करवाना है, इसलिए मैं आपको हर एक मैथ बताऊंगा, ठीक है। आप ट्राई करना खुद से बनाने का, तभी तो आप सीख पाओगे ना। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ बाकी के 2 मैथ में, जो कि आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा आज का 3rd नंबर क्वेश्चन है, क्या है, x + 5 = 48 और x + 4 = इतना दिया हुआ है हमारा। तो ये तो हमारा सिंपल सा था, मैंने आपको पहले बताया कि समीकरण में पहले हमारा x होना चाहिए, दूसरा y होना चाहिए। तो देखिए ये हमारा सिंपल सा है, तो उसको बस वैसा ही लिख दिए। लेकिन जो हमारा दूसरा नंबर समीकरण है, ये तो मेरा इस फॉर्म में तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन हम मेरा काम क्या है, मेरा सबसे पहला काम है कि इस फॉर्म में तोड़ना, यानी पहले x फिर y और फिर कोई अंक होना चाहिए इक्वल टू में। इस फॉर्म में तोड़ना हमारा सबसे पहला फ़र्ज़ बनता है फ्रेंड्स, ठीक है। अब तो ये ऐसे है नहीं, तो हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा, जो हम लोग सरल करो में सीख चुके हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, नीचे कुछ नहीं है तो नीचे हम लोग 1 मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा x + 4/1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 5 से ऊपर में गुना हो जाएगा और ये 2 नीचे आ जाएगा। अब यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 2 × 4 = 8, 2x हो गया यहाँ पे, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा गुना कर देंगे और यहाँ 1 से गुना करेंगे तो हमारा सेम आएगा, बस यहाँ गुना कर दिए तो क्या हो गया इतना हो गया। अब देखिए ये हमारा सेट हो गया ना, 2x - 5y इधर आ गया तो, और ये 8 उधर गया तो 12 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे वही सेम काम करना है, देखिए समीकरण 1 में हमारा ये दिया था, समीकरण 2 में हमारा ये दिया हुआ है, वही सेम काम करना है। यहाँ पर मैंने क्या किया, x को बराबर किया हूँ, देखिए x हमारा कट रहा ना, तो एक अब हम लोग यहाँ पे x को बराबर किया तो कैसे गुना करना होगा, तो देखिए हमारा x में 1 जिससे गुना किया गया है, तो बस इस 1 से किस में गुना कर देंगे, ओपोजिट वाला समीकरण में, यानी कि समीकरण नंबर 2 में 1 से गुना कर देंगे, और इसमें हमारे x में कितना से गुना किया गया 2 से, तो इसको भी ओपोजिट वाला में गुना कर देंगे 2 से। तो ये हमारा 2x है, तो इस 2 से गुना करेंगे किस में, उल्टा वाला में, यानी कि समीकरण नंबर 1 में 2 से गुना कर देंगे, ठीक है। तो ये कर दिए, अब बस गुना करके यहाँ लिख दीजिए तो क्या हो जाएगा 2x + 2y = 48 × 96 होता है, देखिए हमारा 96 हो गया, और जब 1 से गुना करेंगे तो हमारा सब डिटो छप जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा था, ये तो हमारा कटेगा नहीं, ये तो ऐसा ही आएगा ना गुना करने पे, तो देखिए इसके लिए क्या किया हम लोग, साइन चेंज कर देंगे, तो जिसका जो साइन है नीचे सेकंड वाला में उसका साइन बदल देंगे। तो ये हमारा प्लस था सेकंड में, तो इसको माइनस कर दिए, सेकंड में हमारा देखिए माइनस था तो उसके वाले प्लस कर दिए, मतलब कि अगर प्लस रहेगा तो माइनस करना है, माइनस रहेगा तो प्लस करना है। ये हमारा देखिए प्लस था 12 में, तो इसको माइनस कर दिए, ठीक है। अब सॉल्व कर दीजिए, क्योंकि अब इसका जो साइन है, इसका जो माइनस दिया हुआ है, इसका साइन अब ये माइनस नहीं हो गया, अब इसका साइन प्लस हो चुका है बदल करके, इसीलिए ये हमारा कट गया। अब यहाँ पे ये हमारा जुट जाएगा तो 7y हो गया, और ये हमारे यहाँ पे घट जाएगा तो 84 हो जाएगा। देखिए भाग दिया तो क्या हो गया, ये हमारा 12 में कट गया, तो हमारा वाई का मान क्या निकला, 12 निकल गया। बस अब इस 12 को आप कहीं भी बैठाए समीकरण 1 में, समीकरण 2 में, तो मैं यहाँ पर क्या किया था, समीकरण 1 में बैठाया था, ठीक है। तो देखिए बहुत ही आसानी से ये हमारा सॉल्व हो गया, और x का मान 36 आ गया, यानी हमारा क्या हो गया सॉल्व करके, x का मान 36 और y का मान 12 आ गया, ठीक है फ्रेंड्स। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी है फ्रेंड्स, ठीक है। आई होप कि आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या, इसमें भी तो हमारा देखिए सॉल्व नहीं किया हुआ है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहले समीकरण बना लेते हैं, तो थोड़ा सा दिमाग लगाना है, तो क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, तो हम लोग यहाँ पे एलसीएम ले लेते, तो 2 और 3 का लसअप क्या आता है, 6 आता है। सॉल्व किया तो हमारा ये आ गया, ठीक है, 48, ये हो गया समीकरण नंबर 1। अब इसको फिर देखिए सॉल्व करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा इतना आ जाएगा, तो ये आ गया हमारा इतना -12। अब यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं, वाई को देखिए, वाई मेरा कट रहा है, यानी कि हम लोग यहाँ पे वाई बराबर किए हैं, तो बस हो गया। यहाँ मेरा वाई में कितना से गुना किया गया है, 12 से, तो इस 12 से उल्टा वाला में गुना कर देंगे, यानी उल्टा क्या है इसका, ये हमारा समीकरण 2 में पड़ता है, तो इसका उल्टा क्या है, समीकरण 1, तो समीकरण 1 में 12 से गुना कर देंगे, और समीकरण 1 में हमारा 2 से गुना किया गया है, तो इस 2 से गुना किस में कर देंगे फ्रेंड्स, तो उल्टा में कर देंगे, यानी कि समीकरण नंबर 2 में कर देंगे 2 से गुना। अब गुना करके यहाँ लिख दीजिए और काट दीजिए, देखिए गुना करके लिख दिए, अब ये हमारा सिंपल सा प्लस माइनस आपस में कट जा रहा है, इसको बस काट देंगे। अब यहाँ पे इसको जोड़ने पे हमारा 46, घटाने पे हमारा इतना आ रहा है, अब इसको सॉल्व कर देंगे तो ये हमारा 12 आ जाएगा, बस x का मान निकल गया। अब इस x का मान आप किसी भी समीकरण में बैठाइए, तो हम लोग यहाँ पे समीकरण नंबर 1 में बैठाए हैं,
और उसके बाद इसको सॉल्व करते जाइए तो आपका देखिए वैल्यू क्या निकल कर आएगा, 6। बस हो गया सॉल्व और कुछ नहीं है, बहुत ईजी था। ठीक है फ्रेंड्स, तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके YouTube चैनल पर ये आपका पहला ऐसा चैनल होगा हार्डमन क्लासेस जिसमें आपको आप ही का बुक्स का पूरा सॉल्यूशन करवाया जा रहा है, यदि आप 9th क्लास में अभी हो तब। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं आपको मिलता हूँ नए पार्ट के साथ, जब तक के लिए अलविदा लेता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, बाय।